वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज अपन अनबॉक्स करने वाले ये और ये, हाँ ये दोनों चीज़ें आराम से, ये दोनों चीज़ें अनबॉक्स करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन चला करते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से अपन पढ़ते हैं बिल्कुल इसे। चाकू उठाया और कंजा 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 चाकू भाई यार। ये अपन हाथ से ही खा रहे हैं अब तो। तो मैंने सोचा था ऐसे अपन कर लिया है और आप देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो जल्दी से इसको खोलता हूँ और आप देखते हैं यहाँ पर लिखा है इका गाई और पीछे लिखा है बोलता है। तो मैं जल्दी से इस पाउच को साइड में रखता हूँ और दूसरे वाले को भी ओपन कर लेता हूँ। सबको एक साथ खोलेंगे। सो हल्का से बस होल्ड कर देते हैं फिर अपन अपना ओपन कर लेंगे हाथों से। तो उसको ओपन कर लेता हूँ मैं और ये तो बिल्कुल अच्छे से रैपिंग आया और इसकी रैपिंग भी खोल लेता हूँ मैं पहले। वाह बिल के साथ। अब इन दोनों में से कौन सी खोले? इन दोनों में से अपन खोलते हैं बड़ी वाली। तो सबसे पहले मैं इसकी जो कवरिंग है उसको काट देता हूँ और ये इसको मैंने काट दिया। और देन अब मैं इसको ऊपर का जो रैपिंग है, ये साउंड पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 बुक्स दिख रही है। तो अपन जल्दी से इस चारों बुक्स को निकाल लेते हैं इस प्रकार से। और भाई क्या ही तरीके से बुक्स निकली है। तो इन चारों बुक्स को मैं साइड में रखता हूँ और इसको भी पहले ओपन कर लेता हूँ फिर अपन चारों बुक्स का एक साथ रिव्यू करेंगे। तो इसमें तो फाड़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ओपन हो जाएगा। बट ये तो गलत हो गया, मैंने तो ओपन कर दिया है इस टाइप से। और ये यहाँ पर इन दोनों बुक्स को भी हो गया। सो गाइस सबसे पहले बुक है इकागाई जो है जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। जो मैंने इसके जो रिव्यूज़ पढ़े बहुत अच्छे हैं और आप देख सकते हो द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। तो हाँ बहुत अच्छी बुक हो सकती है, होगी। और द अल्केमिस्ट ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसका भी पैनलो कोयल हो जो भी है गाइस नाम इसका, 65 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी है। तो मतलब ये भी बहुत अच्छी बुक होने वाली है। नेक्स्ट बुक आती है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द ओनली बुक यू नीड टू लीड टू सक्सेस, डेल कार्नेगी। ओवर 75 ईयर्स इन प्रिंट। तो क्या लिखा पता नहीं, बट ये जो बुक है मैंने इसके सबके बुक्स के रिव्यूज़ जो है ना भाई बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, पढ़ेंगे इसको। फिर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये मैंने कहा इस बुक पहले से पढ़ चुका हूँ मैं। ये क्या कॉम्बो में आ रहा था इसके, तो इसलिए मैंने इसके साथ इसके आ रही थी तो मैंने बाय कर ली। और गाइस ये जो बुक है ना मतलब फर्स्ट बुक थी मेरी और बहुत सही बुक है, बहुत सही। अब नेक्स्ट बुक आती है द रिचेस्ट मैन इन बेबिलोन, द सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ द एंशिएंट, द मोस्ट इंस्पायरिंग बुक ऑन वेल्थ एवर रिटन, जॉर्ज एस कार्लसन। ये भी बुक अच्छी लग रही। मोर देन 2 मिलियन बुक्स आर सोल्ड, मिलियन बुक्स इसकी ओवर की ओवर अ मिलियन बुक्स है। इसकी अल्केमिस्ट की 65 मिलियन बुक्स है। तो मतलब ये तो भाई बहुत कम हो गया, 2 मिलियन और 65 मिलियन ये फिर अलग हो गया। फिर आती है लास्ट में थिंक एंड ग्रो रिच ऐसा बाय नेपोलियन हिल। ये भी बहुत अच्छी है, मैंने इसके भी रिव्यूज़ पढ़े हैं। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर आप देख सकते हो द सीक्रेट टू फ्रीडम एंड सक्सेस। और ये यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी एंड यू कैन इन्फ्लुएंस डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ऑन एनवायरमेंट, यू कैन मेक योर लाइफ वॉट यू वॉन्ट टू बी। यस ऐसी बहुत सही लिखा है। और आप इसकी प्रिंटिंग देख सकते हैं, सही में अच्छी क्वालिटी की प्रिंट है इस वाली की। मतलब ये जो चार बुक्स है ना, ये जो इसके अंदर आई थी इसकी प्रिंट अच्छी है। मैं आपको दिखा देता हूँ हर एक बुक की, आप देख सकते हैं इसकी प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है और बुक क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। फिर ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की भी आपको देख सकते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी में है बिल्कुल। और द रिचेस्ट मैन इन बेबिलोन इसकी भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है। फिर थिंक ग्रो एंड रिच इसकी मैं आपको बता चुका हूँ। और अपन ये दो बुक्स को लाते हैं तो मैं इसको कहूँ ये मतलब ठीक ठाक है इसकी क्वालिटी, क्योंकि इसके जो पेपर है ना मतलब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी से कटा नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली नहीं कटा है। और ये जो सामने तो लिखा है वो तो बस अपन को पढ़ना है। और इकागाई जो बुक है इसकी क्वालिटी भी इका कर दिया चलो छोड़ो ध्यान दो, इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है क्योंकि पेपर तो मतलब ऊपर का जो कवर है वो ठीक ही है और अंदर की प्रिंट भी ठीक ठाक ही लिखा है।
तो ठीक है चलेगा, लेकिन ये जो बुक्स है ना गाइस, इसका जो कंटेंट है ना, कंटेंट मैटर करता है। और इन सारी बुक्स का जो कंटेंट है, मैंने अभी तक जो इनके रिव्यूज़ पढ़े और देखे हैं, और भाई बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। मेरे फ्रेंड्स भी जो भी पढ़ते हैं उनसे भी मैंने पूछा, उनने भी मेरे को बताया कि इसके इन वाली बुक्स के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। और ये बुक्स तो मैंने खुद पढ़ी वाली, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत तगड़ी बुक है, बहुत तगड़ी, आपको लिटरली पढ़ना चाहिए। और गाइस अगर अपन इनकी कॉस्ट की बात कर ले, तो ये जो चार बुक्स का कॉम्बो है, जिनका नाम है थिंक ग्रो एंड रिच, द रिचेस्ट मैन इन बेबिलोन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इसकी कॉस्ट इज 299। हाँ, 299 में चार बुक्स आती, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉस्ट वाले, बहुत कम है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की भी पेपर्स है उसके, और अच्छी क्वालिटी का प्रिंट भी है। और ये जो दो बुक्स है, द अल्केमिस्ट एंड इकिगाई, इन दोनों की जो कॉस्ट है, इन दोनों को मिला के 218, वो थोड़ा सा डिफर करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो इन दोनों के लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से बाय कर सकते हो आप, अगर आप चाहें तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।